आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही जबरदस्त सब्जी की रेसिपी। खाने में इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब कि मुंह में जाते ही घुल जाए। इस सब्जी को हम बिना प्याज बिना टमाटर के बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल फ्रेश मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये खाने में और भी टेस्टी और भी बढ़िया लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक छोटे कप बेसन। अब इसमें हम थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। एक बार मिला लेंगे इनको अच्छे से। अब इनमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, जिससे कि हमारे बैटर में लम्स नहीं पड़ेंगे। तो थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद घोल हमारा तैयार हो गया है। इसको हम 2-3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से फेटेंगे, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए। तो अच्छी तरह से बैटर को हमने फेट लिया और कितना स्मूथ हमारा बैटर हो गया देख सकते हैं आप। अब हम मिक्सी जार में एक बड़ी चम्मच लेंगे साबुत जीरा, एक चम्मच लेंगे साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच हम सौंफ डालेंगे, 6 से 8 काली मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे, 1 छोटी टुकड़ी अदरक का इस्तेमाल करेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे और आधा कप पानी डालकर इसका हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल महीन सा हमारा मसाला पीसकर तैयार हो गया है। अब हम तैयार किए हुए बैटर में 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे हम बैटर में मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब हम बैटर में बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो हमारी कतली बनेगी वो अंदर से सॉफ्ट रहेगी। 1 स्पून इसमें हम पानी डालेंगे और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, बस इसे 5-6 मिनट और फेट लें तो आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लोइंग वे में होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट ली है, हर घर में अवेलेबल होता है प्लेट। आप चाहे तो इसकी जगह केक टिन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस भी बर्तन को इस्तेमाल करें, उसे पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद इसमें हम बैटर डाल देंगे। तो प्लेट को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था तेल से, और बाउल में जो थोड़ा बैटर रह गया है उसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे सब्जियों में। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डाला है, उसके ऊपर स्टैंड डाला है, और जो हमारी बैटर की जो प्लेट है उसे हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे। और उसके बाद इसे हम कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम स्टीम करेंगे। 12 मिनट के लिए हमने स्टीम कर लिया है, तो अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो देखिए, जो बैटर हमारा है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है, और जो प्लेट है इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो प्लेट हमारे यहाँ पे पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो चाकू से इनके किनारों को हम इस तरह से पहले छुड़ा लेंगे। उसके बाद इसे हम स्क्वायर साइज में काट लेंगे। तो देख सकते हैं कि जो सारा पीस है वो बिल्कुल इजीली सेपरेट हो गया है। तो ये देखिए, मैंने इसे कुछ इस तरह से शेप पे काट लिया है। पैन में हम 1/2 चम्मच तेल लेंगे। स्पैचुला की मदद से तेल को हम फैला लेंगे, ज़्यादा तेल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम पैन में सारे तैयार किए हुए कतली को डाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इन सभी को भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम कढ़ाई में 2 छोटी चम्मच तेल लेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये तीखी वाली है, 1/2 छोटी चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है सब्जियों में। अब सभी मसालों को 10 सेकंड के लिए हम इसी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम तैयार किए हुए मसाले डाल देंगे। क्योंकि सारे मसाले हमने कच्चे इस्तेमाल किए हैं, तो सभी मसालों को हम 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं 2-3 मिनट के लिए, और मसालों का कच्चापन खत्म हो गया है। अब इसमें हम 1 बड़ी चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही में जो बैटर हमारा बाउल में रह गया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसे भी हम डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम सभी चीज़ों को चलाते हुए वापस से पकाएंगे, जब तक कि मसालों में हमारा तेल ना छोड़ दे। तो देखिए, मसाला काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, तो इसे हम एक बार वापस से अच्छी तरह से चलाएँगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। नमक को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों में। अब इसमें हम 1 बड़ी कप पानी का इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के लिए।
अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। तो कसूरी मेथी को मैंने इस्तेमाल करने से पहले तवे में थोड़ा सा भून लिया था, मिला लेंगे एक बार अच्छे से। और जो ग्रेवी है हमारी, उसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे। ग्रेवी में बॉयल आ गई है तो इसमें हम तैयार किए हुए कतलियों को डाल देंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाले का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद एक बार हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। कढ़ाई को ढककर हम कतलियों को पकाएंगे ग्रेवी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो गए हैं तो हम ढक्कन को हटा लेते हैं। ग्रेवी को हम थोड़ी पतली ही रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये सब्जियां ठंडी होगी वैसे वैसे ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी। थोड़ी सी इसमें हम फ्रेश धनिया के पत्ते डालेंगे। तो लीजिए, सब्जियां तैयार है इंजॉय करने के लिए। इस सब्जियों को आप चावल रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।